लगभग 12 लाख रुपए कीमत के सोने के सिक्के, हीरे, जड़ित जेवर चुराने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नौकर ने पूछताछ में चोरी करने की बात कबूली है। आरोपी ने चोरी का माल पश्चिम बंगाल में छिपाना बताया है। इंदौर पुलिस ने एनआरआई की यहाँ हुई चोरी करने वाले उनके घर के नौकर को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए माल को बरामद किया है। दरअसल फरियादी कुमार गौरव निवासी अमृत पार्क न्यू रानी बाग कॉलोनी ने उनके नौकर विश्वनाथ बैद निवासी छोटा शहर पश्चिम बंगाल के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कुमार गौरव ने बताया कि घटना एनआरआई कार्तिक के फ्लैट सुनिकेत अपार्टमेंट में हुई है। कार्तिक जनवरी में यूएस गए थे, वहां नौकर को विश्वनाथ को फ्लैट की देखभाल करने के लिए छोड़ के गए थे। 5 जनवरी को जब लौटे तो नौकर गायब था। शक होने पर अलमारियां देखी, सोने के 8 सिक्के, हार, सोने की चूड़ी, घड़ी एवं हीरे से जड़े हुए जेवर और मोबाइल गायब थे। कार्तिक ने मैनेजर कुमार गौरव को थाने भेजा और विश्वनाथ के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करवा दिया। एमआईजी पुलिस ने मंगलवार देर रात विश्वनाथ को गिरफ्तार कर लिया। वह कालानी नगर में किराए से रह रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने आभूषण बेचने का प्रयास किया लेकिन ज्वेलर्स ने बिल न होने पर लौटा दिए। इस पर उसने पश्चिम बंगाल में आभूषण छुपा कर रखे हैं। पुलिस ने उसके घर की सर्चिंग में घड़ी और मोबाइल जब्त किया है। बाकी ज्वेलरी जब्त करने के लिए पुलिस ने टीम पश्चिम बंगाल पहुंचाई है। तो कालानी है, ये एमआईजी थाना क्षेत्र में रहते हैं। बीच में ये बाहर गए हुए थे तो इनका कुछ वैल्यूबल्स वगैरह, उसका सामान जो है गायब हो गया था। इस संबंध में वहाँ इनका एक डोमेस्टिक हेल्प था, वो रहता था, उसके ऊपर इन्होंने जो है शंका जाहिर करते हुए थाना एमआईजी में रिपोर्ट कराई थी, जिस पे अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें इंदौर पुलिस को थाना एमआईजी क्राइम ब्रांच के साथ में इस आरोपी को पकड़ने में जो है सफलता प्राप्त हुई और इससे कुछ माल की रिकवरी हुई है। आगे भी इसे पूछताछ की जाएगी और माल रिकवर किया जाएगा। सर, कोलकाता में छुपा करके आ गया था। हाँ, ऐसा जानकारी में आ रहा है। अभी हम लोगों की पूछताछ और विवेचना जारी है, आगे जो फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से फिर। क्या नाम है सर आरोपी का? इसका विश्वनाथ नाम है। सर, ड्रग्स को लेकर भी कुछ अपडेट?